बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे और जो हम क्वेश्चन है इसके इसके लिए आपको दो थ्योरम्स का पता होना चाहिए जिनको हम प्रूफ तो करेंगे लेकिन अभी पहले हम उनको यूज़ करेंगे। तो उस वो थ्योरम क्या है हमारे पास? पहला थ्योरम है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n द पावर n इज इक्वल टू e, ठीक है। और दूसरा हमारे पास थ्योरम है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x टू द पावर 1/x इज इक्वल टू। इसको ज़रा समझ ले थोड़ा सा आप। दो चीज़ें यहाँ पे हमने देखनी है। पहली चीज़ ये है कि लिमिट ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ पे 1 के साथ 0 बनाए और पावर में इन्फिनिटी बनाए। देखो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ अप्रोच टू 0। देखें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना 1/0 समथिंग ओवर 0 तो ये अनडिफाइंड है, हमें पता है ये अनडिफाइंड है। लेकिन इसी बात को जब हम लिमिट्स में कर रहे होते हैं, यानी अगर अगर हमारे पास इस तरह आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 1/n, तो अब देखें लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 एन 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/n, जब एन की जगह 0 आएगा ना यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये किसको अप्रोच करेगा, यानी अब फंक्शन ये किसको अप्रोच करेगा। तो याद रखें ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। अब हम इसको अनडिफाइंड नहीं कहेंगे, तो लिमिट्स में 1/0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर हम लिमिट के बाहर लिमिट के अलग बात करेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड बोलेंगे। अब यहाँ पे हमने लिमिट्स को यूज़ करना है और ये जो आंसर है यानी 1/0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड 1/∞ अप्रोचेस टू 0, ये 1/ हो या 2/ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/0 भी आपको पता है अनडिफाइंड है, 2/0 भी अनडिफाइंड है, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड है। तो 1/0 अप्रोच करता है इन्फिनिटी को और 1/∞ अप्रोच करता है 0 को। अब यहाँ पे अगर 2/∞ है तो वो भी 0 को अप्रोच करेगा, 3/∞ है तो वो भी 0 भी 0 को अप्रोच करेगा। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी है। अब इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। इसको देखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 के साथ यहाँ पे 0 बनना चाहिए, यानी यहाँ पे जो भी टर्म है वो 0 को अप्रोच करनी चाहिए और यहाँ पे जो कुछ है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। तो लिमिट ऐसी होनी चाहिए, देखो 1 + 1/∞ जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0, 1/∞ 0, तो 1 के साथ 0 बन रहा है, ऊपर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे 0 बन रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी बन रही है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ 1 + यहाँ पे 1 के साथ जो कुछ मौजूद है उसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है। यहाँ पे देखें 1/n है, उसका रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा, n, तो n ऊपर मौजूद है। तो अगर ऐसा हो तो हम इसको लिखते हैं e के इक्वल, ठीक है। और e की वैल्यू आपको पता है 2.71 समथिंग होती है। और दूसरा इसी से जो दूसरा थ्योरम हमारा है वो इसी से डिडक्शन है। अगर इसके अंदर इस लिमिट के अंदर जहाँ जहाँ पे मैं आपको इसको डिडक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने इसको नोट कर लेना जो मैंने राइट साइड पे लिखा है, इसको आप अच्छी तरह से इन बिठाएं, मैं आपको इसको दूसरे को डिड्यूस करके दिखाता हूँ। देखें इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास है अभी तक लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n इज इक्वल टू e, ठीक है। लेट कर लिया n इज इक्वल टू 1/x, तो हम इस लिमिट सारी लिमिट को x में लेके जाना चाहते हैं, हम इसके दूसरी फॉर्म देखना चाहते हैं। तो यहाँ से देखें आप सारा कुछ आप चेंज करेंगे x की फॉर्म में, तो n इज इक्वल टू 1/x आ गया, तो x किसके इक्वल आएगा, यहाँ से
ये तो हमने एक चीज़ ऐड कर ली, अब सारी चीज़ें यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से बच्चों आपके पास x किसके इक्वल आएगा, x इक्वल आएगा 1 ओवर n के, यानी जरा डिवाइड हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 1 ओवर n। और लिमिट की बात करें, देखें n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, n n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 ओवर इन्फिनिटी तो किसको अप्रोच करेगा, 0 को, इसका मतलब x किसको अप्रोच करेगा फिर 0 को। तो हम लिखेंगे वैन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे रखेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी 0। मैंने आपको बताया है 1 ओवर इन्फिनिटी को आपने लिमिट में 0 समझना है, 1 ओवर 0 को आपने लिमिट्स में इन्फिनिटी समझना है, इसके लिमिट के अलावा जब हम बात करेंगे तो वो अनडिफाइंड है। अच्छा, तो ये अब सारा कुछ हम जब इस लिमिट में रखेंगे अपने में तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह लिमिट क्या बन गई, एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर एन की जगह क्या आएगा, 1 ओवर एन की जगह क्या आएगा, एक्स 1 प्लस एक्स, वन प्लस एक्स और उसकी पावर एन की जगह क्या आएगा, 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स। और ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी ई के इक्वल, क्योंकि ये भी ई के इक्वल था, हमने तो सिर्फ लिमिट को चेंज किया, हमने तो वेरिएबल दूसरा यूज़ किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब क्या होगा, इसके अंदर भी यही बात है, इसके अंदर भी यही बात है कि लिमिट ऐसी होनी चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, लिमिट ऐसी होनी चाहिए कि 1 के साथ 0 बने। तो देखो एक्स 0 को अप्रोच करा तो 1 के साथ 1 प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, 0। लिमिट ऐसी है कि यहाँ पे 0 बन रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी बन रही है, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी लिमिट्स में, तो 1 ओवर 0 यहाँ पे इन्फिनिटी बन रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और दूसरी बात जो मैंने बताई आपको, दूसरी शर्त ये है कि 1 के साथ जो कुछ मौजूद हो उसका रेसिप्रोकल ऊपर हो, तो यहाँ पे क्या है x और ऊपर क्या है 1 ओवर x, तो इसका रेसिप्रोकल मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर आपके पास e आ जाएगा। अब इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए, इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन टू दी पावर 2n, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन टू दी पावर 2n। अच्छा, अब हमारे पास पहली शर्त क्या थी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो पहली शर्त ये थी कि 1 के साथ 0 बने, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 है और ऊपर 2 इन टू, यहाँ पर जब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यहाँ पर 0 बन रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी बन रही है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये थी कि यहाँ पर जो कुछ हो उसका रेसिप्रोकल ऊपर, तो यहाँ पर क्या है 1 ओवर n, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा ना, 1 ओवर n को उल्टाएंगे तो क्या आएगा, n ओवर 1 यानी n, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था n, तो n यहाँ पे होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ ज़ायद है, यहाँ पे 2 ज़ायद है, तो 2 को हम बाहर ले जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू द पावर n और इस सारे की पावर 2। ये एक्सपोनेंट्स का जो रूल हैं उसको यूज़ करते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई पावर है उसको बाहर लिमिट अप्लाई हो रही है तो लिमिट उस पावर के अंदर जाकर भी अप्लाई हो सकती है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन टू द पावर एन और सारे की पावर 2। और मैंने बताया कि इसके इक्वल है आपके पास ये तो ई था और ऊपर क्या आया 2 और ये आपका बच्चों आंसर। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ओवर 2 को हम बाहर ले जाएंगे, थर्ड पार्ट देखें, 1 ओवर 2 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n और साथ में ऊपर सबके क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 e की पावर 1 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n टू द पावर n, थर्ड पार्ट है इसका लिमिट
n approaches to infinity, 1 minus 1 over n to the power n. अब हमारे फॉर्मूले में तो यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो हम इसको प्लस में चेंज कर लेंगे. इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n टू दी पावर n. तो अच्छा यहाँ पे देखें एक चीज़, पहली बात जो हमारी क्या थी यहाँ पे, पहली शर्त क्या थी कि यहाँ पे 1 के साथ 0 बनना चाहिए, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन रहा है, और यहाँ पे n इन्फिनिटी बन रहा है, ओके n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन रही है, यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी बन रही है, तो इसका मतलब पहली शर्त पूरी. दूसरी शर्त क्या थी कि जो कुछ यहाँ पे हो उसका रेसिप्रोकल ऊपर हो, तो यहाँ पे माइनस वन ओवर n है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस n आएगा. तो यहाँ पे तो n है, तो हमने क्या किया, हमने फिर खुद से इसको माइनस वन से, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस n इंटू माइनस वन, ठीक है, इसको हम माइनस n इंटू माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस n इंटू माइनस वन करेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, आपके पास n आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n और उसकी पावर माइनस n, माइनस n, और उस यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस n कर दें और साथ में माइनस वन कर दें, और नेक्स्ट स्टेप में माइनस n, तो यहाँ पे रहा क्योंकि ज़रूरत इसकी माइनस n की थी और ये माइनस वन की ज़रूरत नहीं थी, हमें इसको हमने बाहर निकाल दिया. कुछ देखें ये हमारे पास n है, इसको हमने लिखा है ऐसे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा n बन जाएगा, और हमें ज़रूरत यहाँ पे माइनस n की थी, उसको हमने छोड़ दिया, माइनस वन को बाहर निकाल दिया. अब ये जब लिमिट अंदर जाके अप्लाई होगी बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n टू दी पावर माइनस n, और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, माइनस. अब ये सारा कुछ अंदर वाला जो है ये किसके इक्वल है, ये e के इक्वल है, तो e की पावर माइनस 1, और ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर e, और ये आपका आंसर होगा. तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है. नेक्स्ट चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है 1 प्लस 1 ओवर 3 एन टू द पावर n. इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3 एन टू द पावर n. अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पहली शर्त तो पूरी है कि लिमिट ऐसी है कि यहाँ पे 0 बन रहा है 1 ओवर 3 एन, जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 3n भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इन्फिनिटी पहली शर्त. दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि जो कुछ यहाँ भी है उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 ओवर 3n तो ऊपर क्या होना चाहिए, 3n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो n है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे ऊपर, और जो कुछ चाहिए होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी वाली चीज़ों को बाहर निकाल देंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n और उसकी पावर 3n मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 3, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट हो गया, दोबारा क्या बन जाएगा n, और 3n की हमें ज़रूरत थी, 1 ओवर 3 की ज़रूरत नहीं थी, इसको बाहर निकाल दें. इसी स्टेप में इसको बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n उसकी पावर 3n और सारे की पावर आप 1 ओवर 3 लिख सकते हैं. तो यहाँ से आपके पास ये सारी चीज़ किसके इक्वल है कि e के हमारे फॉर्मूले के मुताबिक, और उसकी पावर 1 ओवर 3, और ये हमारे पास आंसर होगा बच्चों. नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखें यहाँ पे 4 ओवर n है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, n ओवर 4, बाकी लिमिट हमारी ठीक है, लिमिट की शर्त थी वो ठीक है, यहाँ पे 4 ओवर n है तो ऊपर क्या होना चाहिए, n ओवर 4, तो हम क्या करेंगे, n ओवर 4 और मल्टीप्लाई पे 4 को बाहर निकाल देंगे, और बाकी सारा कुछ e बन जाएगा, और e की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा. सिक्स पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब ये दूसरे वाला फार्मूला 1 प्लस 3x, और ऊपर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे ऊपर होना चाहिए 1 ओवर 3x, ऊपर होना चाहिए 1 ओवर 3x, क्योंकि लिमिट तो ऐसी है कि 1 के साथ 0 बन रहा है, क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ऊपर 2 ओवर 0
इन्फिनिटी, किसमें, लिमिट में, फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो लेकिन यहाँ पे 3x है तो ऊपर इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 3x होना चाहिए, तो उसको बनाते हैं देखें। सिक्स पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x टू द पावर 2 ओवर x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x टू द पावर, हमने क्या किया 3 से डिवाइड भी कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये जो 1 ओवर 3x है सिर्फ हमें ये चाहिए, 2 और 3 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे ये नहीं चाहिए, तो इनको हम बाहर निकालते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x टू द पावर 1 ओवर 3x और इस सारे की पावर 2 3 आर 6। अब इस लिमिट को अंदर ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x टू द पावर 1 ओवर 3x और इस सारे की पावर 6। ये 2 3 आर 6 क्योंकि 1 ओवर 3x हमें चाहिए था, इसको हमने बाहर निकाल दिया और ये आपको पता है किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, ऊपर उसकी पावर 6 और ये आंसर आ गया। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो हम ये सारा हल नहीं करते, हम डायरेक्ट हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि लिमिट ठीक है, लिमिट ठीक अप्लाई हुई है यहाँ पे। अगर लिमिट ठीक अप्लाई हुई है तो हम क्या करते हैं, 1 के साथ जो कुछ है और ऊपर पावर में जो कुछ है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके e की पावर बना देते हैं और आंसर आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अगर फर्ज करें ये आपके पास एम सी क्यूज में आ जाता है यही क्वेश्चन, तो और लिमिट आपकी ठीक लगी हुई है, अगर लिमिट आपकी ठीक है और आप ठीक होने का मतलब समझ रहे हैं, तो 1 के साथ जो कुछ है 3x और ऊपर क्या है 2x, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा एम सी क्यूज़ करिए, 3x को 2 ओवर x से मल्टीप्लाई किया और ये x x से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आपके पास 6, तो a की पावर 6 और ये इसका आंसर। तो बच्चों इसका शॉर्टकट है, लेकिन ये किसके लिए यूज़ करना है आपने, ये आपने यूज़ करना है अपने आंसर को चेक करने के लिए या फिर एम सी क्यूज़ के अंदर अपना आंसर ढूंढने के लिए आपने इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने इस तरह ही क्वेश्चन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन के आपको नंबर इस तरह ही मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे सिंपल एक्स स्केयर आ गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब स्केयर है तो कोई एक्स जीरो का स्केयर जीरो होता है, 1 ओवर 0 तो उसका भी स्केयर जीरो होगा, तो ऊपर देखें हमारे पास यहाँ पे 1 के साथ 0 बन रहा है और यहाँ पे याद कैसे रखेंगे कि 1 के साथ 0 होना चाहिए। देखें रियल नंबर लाइन के ऊपर 1 के साथ क्या होता है, 1 के साथ लेफ्ट साइड पे क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे 1 के साथ राइट साइड पे 0 है, तो इसलिए हम इस तरह से याद रखेंगे कि 1 के साथ 0 होना चाहिए और ऊपर क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, लिमिट आपकी जैसी भी हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे तो 1 ओवर 2x स्केयर चाहिए नीचे बस, तो 2 को बाहर निकाल देंगे ई स्केयर, इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2h और उसकी पावर 1 ओवर h। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख लेंगे 1 प्लस माइनस 2h और ऊपर ऊपर क्या होना चाहिए 1 ओवर माइनस 2h होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 1 ओवर माइनस 2h को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे प्लस बन चुका होगा और माइनस 2 को बाहर निकाल देंगे तो ई की पावर माइनस 2 यानी 1 ओवर ई स्केयर, इसका आंसर आ जाएगा। नाइन्थ पार्ट देखें, इसको हम करते हैं, अगर आपके पिछले क्वेश्चंस 6 पार्ट आप कर लेंगे तो ये 2 क्वेश्चन आपको कोई मसला नहीं करेंगे। नाइन्थ पार्ट पे चलते हैं, नाइन्थ पार्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स। नाइन्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
एक्स ओवर वन प्लस एक्स टू दी पावर एक्स। अब देखें यहाँ पे वो वाली कुछ कंडीशन नहीं है जिस तरह की हम अभी यूज़ कर रहे थे, तो हम उस तरह की कंडीशन बनाएंगे। देखें याद रखें, जब भी किसी फ्रैक्शन को हम उल्टा दें, उसको उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये रूल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन प्लस एक्स ओवर एक्स, और उसकी पावर क्या हो गई, माइनस एक्स हो गई, पहले था एक्स अब क्या हो गई, माइनस एक्स हो गई। अब हम एक्स को दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स और उसकी पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास जो आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन ओवर एक्स प्लस वन और उसकी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको हम तरतीब से लिख लेंगे, वन प्लस वन ओवर एक्स और उसकी पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए एक्स और साथ में माइनस वन, को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ऊपर क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो माइनस वन को बाहर निकाल दें। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन प्लस वन ओवर एक्स और उसकी पावर एक्स और सारे की पावर माइनस वन। बाई यूजिंग द थ्योरम्स इसका आंसर ई आया, उसकी पावर माइनस वन और ये वन ओवर ई विच इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। देखिए ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आपने किस तरह से इनको डिफरेंशिएट करना है, किस तरह से आपने अलग अलग इनको सॉल्व करना है और इनका आंसर किस तरह डिफर करेंगे, इसको तरह ध्यान से समझ लें हम लोग। हमारे पास है लिमिट, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ टेंथ वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। फिर यहाँ पे लिखा है कि एक्स इज़ नेगेटिव, जो अगर एक्स नेगेटिव उसने दिया है, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे ही सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। लेकिन जब उसने कहा है कि एक्स नेगेटिव है, तो हम एक्स को नेगेटिव यहाँ पे ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक है, एक्स को हमने नेगेटिव नंबर ले लिया। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पे आप क्या रख दें, वहाँ पे आप माइनस टी रख दें, लेकिन लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट कैसे, जब एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस टी ज़ीरो, इसका मतलब है टी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स को ज़ीरो करेंगे तो माइनस टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टी भी ज़ीरो है। तो जब एक्स ज़ीरो हो रहा है तो टी भी ज़ीरो हो रहा है, तो हमारे पास लिमिट क्या चेंज होकर आ जाएगी, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन, ये इक्वल आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर वन ओवर एक्स की जगह हमने माइनस टी रखा, माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर माइनस टी प्लस वन। अच्छा, अब इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर माइनस वन ओवर टी, क्योंकि जो नेगेटिव जो है फ्रैक्शन के साथ आएगा, माइनस वन ओवर टी, माइनस वन ओवर ई की पावर माइनस वन ओवर टी प्लस वन। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको वन ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो वन ओवर ई की पावर वन ओवर टी माइनस वन ओवर वन ओवर ई की पावर वन ओवर टी प्लस वन।
यानी इस चीज़ को हमने, ये माइनस वन वैसे का वैसे पड़ा हुआ, इसको हमने वन ओवर लिख लिया ताकि इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो वन ओवर ई की पावर वन ओवर टी माइनस वन, वन ओवर ई की पावर वन ओवर टी प्लस वन। अब इस पर लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट हमारे पास क्या आएगा, लिमिट टी कर रही है जीरो को अप्रोच कर रहा है टी, जब टी जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ई की पावर वन ओवर जीरो, यहाँ पे ई की पावर क्या बनेगा इन्फिनिटी। जब ई की पावर इन्फिनिटी तो ई की पावर ई जो कि हमारे पास वन से बड़ा है तो ये इसका आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। तो वन ओवर इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, जीरो। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ अलग से कि वन ओवर ज़ीरो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वन बटी है तो ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये भी तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो वन ओवर इन्फिनिटी देन वन ओवर इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को यहाँ पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ज़ीरो बन जाएगा। तो हम एक पुट कर देंगे वन ओवर ए की पावर इन्फिनिटी माइनस वन ओवर वन ओवर ए की पावर इन्फिनिटी प्लस वन। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वन ओवर ए की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास ज़ीरो, क्योंकि मैंने आपको बताया वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, माइनस वन ओवर ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वन इज इक्वल टू माइनस वन, और ये आपका आंसर आ गया, ये माइनस वन है, ये आपका आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ लेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन सेम है लेकिन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, यहाँ पे सिर्फ जो फ़र्क आएगा फ़र्क क्या आएगा बच्चों, हमारे पास फ़र्क ही आएगा कि एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम लेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, देखें इसको हम लिख लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ऊपर से भी हम ई की पावर वन ओवर एक्स कॉमन ले लेंगे, ई की पावर वन ओवर एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो मौजूद था तो यहाँ पे वन आ गया, माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स। ये आपने बताया हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर कि हम कॉमन कैसे लेते हैं, हमें कोई कहता है जी टू प्लस फोर में से टू कॉमन ले लो तो हम बड़ी आसानी से टू कॉमन ले लेंगे, वन प्लस टू अंदर, लेकिन अगर हम कहें कि टू प्लस फाइव में से टू कॉमन ले लो तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और हम कहते हैं कि टू प्लस फाइव में से टू कॉमन कैसे आ सकता है। तो मैंने बताया था कि टू प्लस फाइव में से टू कॉमन कैसे लेना है, आप लोगों ने टू प्लस फाइव इज इक्वल टू टू कॉमन लेंगे तो जो चीज़, तो कॉमन लेने का मतलब है जहाँ जहाँ से कॉमन ले रहे हैं उस पर डिवाइड कर दें, टू ओवर टू प्लस फाइव ओवर टू, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास टू इंटू वन प्लस फाइव ओवर टू आ जाता है, जहाँ पर चीज़ मौजूद नहीं वहाँ पर डिवाइड कर दो। तो ए की पावर वन ओवर एक्स कॉमन ले रही है तो यहाँ पर मौजूद था वन, माइनस वन ओवर एक्स आ गया ओवर में, ए की पावर वन ओवर एक्स इंटू वन प्लस वन ओवर ए की पावर वन ओवर एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को तो कैंसिल आउट करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर दें आप लोग, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स ओवर वन प्लस वन ओवर ई की पावर वन ओवर एक्स। लिमिट अप्लाई करें वन माइनस वन ओवर इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी, और ये बता चुका हूँ मैं आप, ए की पावर वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा हमारे पास वन माइनस ज़ीरो ओवर वन प्लस ज़ीरो आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से क्या आ जाएगा वन ओवर वन विच इज़ वन, और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को करना है, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह करें। नेक्स्ट हम फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।